किस चीज को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हो? आज 10 जुलाई है और 10 जुलाई आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन का मांग दिवस है। हमारी डायरेक्टर ने 14 जून को एक लेटर जारी किया है कि कोई भी वर्कर धरना प्रदर्शन पे आएगी तो उसकी सेवा समाप्त की जाएगी। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और संविधान के मुताबिक हर व्यक्ति अपनी जो है मांग रख सकता है, धरना प्रदर्शन कर सकता है। हम इसका विरोध करते हैं। और दूसरा कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने टीवी में हेडलाइन देकर कि पहला ऐसा राज्य है जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को सातवें वेतन कमीशन में शामिल कर रहा है, उसके बाद 8 फरवरी को हमारी बात हुई, हमने बोला है कि सर हम स्किल्ड वर्कर हैं, कुशल कारीगर हैं और कुशल कारीगर की पे जो है न्यूनतम वेतन 10,700 है। उन्होंने कहा देखो बहनों ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं इसे कैबिनेट में लेके जाऊंगा, 3 से 4 महीने लगेंगे, मैं करूंगा। लेकिन वो तो क्या करनी, उन्होंने 1,072 रुपये वर्कर के और 500 रुपये हेल्पर के बजट में घोषणा की कि मैं बढ़ोतरी कर रहा हूँ। मेरा नाम शकुंतला है, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की राज्य की महासचिव हूँ। आज अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन फेडरेशन के आह्वान पर हम हर वर्ष जो है 10 जुलाई को मांग दिवस मनाते हैं और इस दिन जो है हम अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं ताकि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे करें। बीजेपी सरकार केंद्र में और राज्य में दोनों जगह जो है आसन पर है। हम कहना चाहते हैं सरकार ने जो वादा किया था सत्ता में आने से पहले, उस वादे को सरकार पूरा करे।